आपका स्वागत है, मैं हूं साक्षी और अब खबरें विस्तार से। आग से 31 गाड़ी का चारा जलकर राख हो गया। 6 घंटे में आग पर काबू पाया गया। तहसील की साकरडा ग्राम पंचायत के तरजाल गांव में मंगलवार दोपहर को गांव के बीच बाड़े में अचानक आग लगने से बाड़े में रखी हुई करीब 31 गाड़ियों का चारा जलकर राख हो गया। आग को करीब 6 घंटे बाद जिले के आमेर देवगढ़ राजस्मंद से आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा बुझाया गया। तहसीलदार भागीरथ सिंह देव ने बताया कि बरझाल गांव निवासी मोदी राम पिता गंगाराम, दूता राम पिता गंगाराम, बबरू राम पिता गंगाराम व जय राम पिता दीपा गुजर, सीताराम पिता दीपा गुजर, श्रवण कुमार पिता दीपा गुजर के खेतों से इकट्ठा की गई करीब 31 गाड़ी का चारा एक जगह पर बाड़े में रखा गया था। मंगलवार दोपहर 1 बजे अज्ञात कारणों से बाड़े के चारों ओर आग लग गई और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग को काबू करने की कोशिश तो की, पर आग पर काबू नहीं पाया गया। यही देखते हुए ग्रामीणों ने आग की सूचना तहसील कार्यालय आमेर तहसीलदार को दी। इस पर तहसीलदार ने नगर पालिका आमेर सहित देवगढ़ एवं राजमंड से आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड को मंगवाया। इस फायर ब्रिगेड ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया। आग भयानक इतनी थी कि करीब 10 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती थी। आग को काबू करने में फायर फाइटर मैन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की सूचना मिलने पर तहसीलदार भागीरथ सिंह देवल, भू निरीक्षक सीताराम पटवारी, प्रकाश सालवी, पुलिस हेड कांस्टेबल जगदीश चंद्र, आमेर नगर पालिका के जमादार चमन सिंह, ईश्वरलाल सहायक कर्मचारी एवं नारायण लाल फायर ड्राइवर एवं शक्ति सहायक कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आग पे काबू पाया गया।